कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर बयान दिया। अपने बयान में पटवारी ने कहा है कि अभी तक कुल 336 लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। जीतू के इस बयान पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को हिंदी सही से नहीं आती और जीतू पटवारी को गिनती समझ नहीं आती। जीतू पटवारी ने जो संख्या बताई है उतनी तो परसों ही दीपक सक्सेना गाड़ी भरकर लेकर आए थे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जीतू पटवारी की एकला चलो की आदत है। अभी तक कुल 47,179 बूथ पर करीब 282,242 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से भगदड़ जारी है और अभी ज्वाइनिंग का क्रम आगे भी जारी रहेगा। इतने लोग आए तो ये संख्या करेक्ट कर देते पर एकला चलो की आदत है। सारा नेतृत्व तो उमंग सिंगार तक का आपको कहीं नक्शे पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 47,179 बूथ पर 6 अप्रैल के दिन 282,242 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। जीतू जी अध्यक्ष बने और कांग्रेस में भगदड़ मची और ऐसी भगदड़ है कि जो रुकी नहीं। एक भ्रम में यह भी दूर करना चाहता हूं कि 6 तारीख आखिरी तारीख नहीं थी, वो स्थापना दिवस की तारीख थी। ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।